हेलो फ्रेंड्स, गूंज हेयर. गाइस, आजकल हमारे समाज में एक चीज़ बहुत चल रही है और मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को भी ये कहते सुना है, या एक धारणा ऐसी बन गई है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं या मर्द जात ही बेकार होती है. तो इस चक्कर में जो अच्छे लड़के होते हैं, जो जिनको गलत बना दिया जाता है या गलत बता दिया जाता है, या जो लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए मैंने ये पोएम बनाई है. एंड आई होप कि उन्हें ये पोएम अच्छी लगे. तो शुरू करती हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है. एक छोटी सी गलती की वजह से कभी कभी सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बना दिया जाता है. शुक्रिया. कि एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बता दिया जाता है. और गाइस, जो आगे की लाइनें हैं वो इस चीज़ के ऊपर हैं. आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, सुना होगा कि बस में धक्का लग जाता है या गलती से टच हो जाता है, तो हम लड़की की बात को बिना सुने, बिना उसे समझे, उसे जज कर लेते हैं, उसके कैरेक्टर पर उंगलियाँ उठा देते हैं, उसे स्लैप कर देते हैं, उसे मारने लगते हैं. तो उसी के ऊपर ये लाइनें हैं कि इंसान ही है भगवान नहीं वो, गलती उनसे भी हो सकती है. इंसान ही है भगवान नहीं वो, गलती उनसे भी हो सकती है. और हर बार धक्का उनसे ही नहीं लगता, कभी डिसबैलेंस लड़की भी हो सकती है. शुक्रिया. कि इंसान ही है भगवान नहीं वो, गलती उनसे भी हो सकती है. और हर बार धक्का उन्हीं से नहीं लगता, कभी डिसबैलेंस लड़की भी हो सकती है. पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल मर्द जात पर ही उठाया जाता है, और हर लड़का उतना बुरा नहीं होता जितना उन्हें बना दिया जाता है. शुक्रिया. कि खुद हैं तुम्हारे लड़के बेस्ट फ्रेंड, तो लड़की उनकी भी दोस्त हो सकती है. अक्सर ऐसा होता है ना कि लड़कियों के दोस्त होते हैं तो कोई बात नहीं, और कुछ हो जाता तो लड़कियां बोलती हैं तो मुझ पे शक कर रहे हो, तो मेरा दोस्त है. बट यही चीज़ जब से हमारे साथ होती है तो हम सामने वाले को जज करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे. तो उसी पे लिखा है कि खुद हैं तुम्हारे लड़के बेस्ट फ्रेंड, तो कोई लड़की उनकी भी दोस्त हो सकती है. और तुम्हारी मजबूरी है रात को बेस्ट फ्रेंड से बात करना, तो ये मजबूरी उनकी भी हो सकती है. शुक्रिया. कि खुद है तुम्हारे लड़के बेस्ट फ्रेंड, तो कोई लड़की उनकी भी दोस्त हो सकती है. और तुम्हारी मजबूरी है रात को बेस्ट फ्रेंड से बात करना, तो ये मजबूरी उनकी भी हो सकती है. पर उनकी इस मजबूरी को उनका इंटरेस्ट बता दिया जाता है, और लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बना दिया जाता है. शुक्रिया फ्रेंड. कि एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है, और लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बना दिया जाता है. और गाइस, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि नारी की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, आज सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उन्हीं कानूनों का हो रहा है. और इस चक्कर में जो नारी सच में ऐसी चीज़ों से गुजर रही है, उसको भी हम शक के दायरे से देखते हैं. तो आगे की लाइनें कुछ यही बयां करती हैं कि माना कि लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण. माना कि कुछ लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण, पर क्या फेक फेमिनिज्म ही है इसका निवारण? आजकल बहुत चल रहा है फेक फेमिनिज्म, तो सोचा कुछ लिखूं. माना कि कई लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण, पर क्या फेक फेमिनिज्म ही है इसका निवारण? क्योंकि आजकल कई झूठे केसों में लड़कों के साथ साथ उनकी फैमिली को भी अंदर करवा दिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बना दिया जाता है. शुक्रिया. हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच है क्या झूठ है. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा ब्लेम कर देते हैं, सोशल मीडिया पर हल्ला मचा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार वो केस उल्टा ही था, या वो लड़का ऐसा था ही नहीं, या वो लड़की ऐसी थी ही नहीं. दोनों केसों में हो सकता है. तो हम लोग बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट का फैसला आए, हम लोग अपना सोशल मीडिया पे हल्ला मचा देते हैं. तो हर चीज़ को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है. फेमिनिज्म के नाम पर जो तुम झूठे झंडे फहराया करते हो, और लड़कियाँ जो करें ये उनकी चॉइस, और लड़कों को लिमिटेशंस बताया करते हो. कि फेमिनिज्म के नाम पर जो तुम झूठे झंडे फहराया करते हो, और लड़कियां जो करें ये उनकी चॉइस, और लड़कों को लिमिटेशंस बताया करते हो, तुम्हारे इस झूठे फेमिनिज्म के चक्कर में किसी मासूम को मुजरिम बना दिया जाता है,
और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बता दिया जाता है। शुक्रिया कि एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते साहब जितना उन्हें बना दिया जाता है। शुक्रिया एंड आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी हो और इसके माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे या बिना किसी भी बात की जानकारी के अपना निर्णय देने से पहले या सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस डालने से पहले या किसी के बारे में लिखने से पहले एक बार प्लीज़ सोच लें और प्लीज़ समझ लें। एंड बाकी आप समझदार हैं, देखते रहिए जी टॉक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए एंड देखना ना भूलें गूंज वेव्स। थैंक यू।